हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है। आज हम देखेंगे वेब डेटा मैनेजमेंट विथ XML। अगले वीडियो में हमने देखा था कि वेब डेटा क्या होता है और XML क्या होता है। वेब डेटा मीन्स सिंपल, हमने देखा था कि सपोज अभी लॉट्स ऑफ वेबसाइट अवेलेबल है, उससे हर रोज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। और XML क्या है, जो एक HTML की जैसे एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। तो अभी ये XML क्यों यूज कर रहे हैं और वेब डेटा मैनेजमेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई के जो बेटर समझ रहे हैं कि XML यूज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले कि XML का जो एडवांटेजेस है वो क्या है, फिर जो प्रॉब्लम है वेब डेटा मैनेजमेंट में अभी वो देखेंगे, फिर वो XML कैसे यूज करता है उसका एक एग्जाम्पल लेके हम आगे समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि XML के एडवांटेजेस क्या है। तो XML जो है उसको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया हुआ है ऑल स्टैंडर्ड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो XML जो अलाउ करता है तो सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द फॉर्म, मींस जो भी फॉर्म में अपीयरेंस है उससे सेपरेट डेटा वो एक्सेप्ट करता है। हमने आगे भी देखा था कि XML इज अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग, मींस आपको जैसा चाहिए वैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, मींस फाइल क्रिएट कर सकते हो और उसमें डेटा ले भी सकते हो और ट्रांसफर भी कर सकते हो। जो XML जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है और मीनिंग इंटरनेशनलाइजेशन इज नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स के जो यूनिवर्सल भी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और उसका जो मीनिंग है वो कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। मीन्स सपोज के आप कोई भी नाम ले लो कि आपका नाम है, उससे टैग बनाना है तो भी आप इजीली बना सकते हो। तो XML है वो जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स उसको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना खुद प्लेटफॉर्म पे रन होता है। जो XML प्रोवाइड करता है रॉबस्ट एंड ड्यूरेबल फॉर्मेट फॉर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। रॉबस्ट मीन्स आपको जैसे भी आपको बनाना है वो इजीली बना सकते हो और ड्यूरेबल फॉर्मेट मीन्स आपको कोई भी जगह पे कोई डुप्लीकेशन आता है तो इजीली पता भी कर सकते हो। जो XML है वो इजीली ट्रांसफॉर्मेबल, मीन्स आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है वन पेज टू अनदर पेज और कोई XML फाइल से डेटाबेस तो भी आप इजीली यूज कर सकते हो। तो इसीलिए इसे कहा जा सकता है कि XML इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द वेब डेटा, कि अभी जो भी वेब डेटा जनरेट हो रहा है उसका उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो एप्लीकेशन है, सपोज कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया हुआ है तो जो पूरा HTML डेटा है वो कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर सपोज किसी ने कंज्यूम कर भी लिया तो उसे कंबाइन करना है या अलग करना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड और लिखा है पॉइंट, जो HTML रैपर टेक्नोलॉजी इज अ ब्रिटल, मीन्स आपको बहुत दिक्कत होगी सब आप डेटाबेस में से डेटा रैपर मीन्स निकालना है कोई पर्टिकुलर और डालना है। तो सेकंड है जो कंपनी मर्ज नीड इंटरऑपरेबिलिटी फास्ट, मीन्स सपोज के कोई कंपनी मर्ज हो रही है, दो बड़ी कंपनी है उसका बहुत बड़ा डेटाबेस है, अगर आपको उस डेटा को मर्ज करना है और इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स आपको अलग अलग तरह से उसे एक्सेस करना है तो वो क्या है जो फास्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी आप डेटाबेस में डालोगे उसकी कॉम्प्लेक्स क्वेरी डालोगे तो उसके हिसाब से वो डेटा फायर होगा। लेकिन जब आप XML यूज करते हो तो इजीली आप डेटा उस पे से फेच कर सकते हो। और जो मेन प्रॉब्लम है एक्सट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन, मीन्स सपोज कि आपके पास 10 GB डेटा है उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और इंटीग्रेशन मीन्स आपको कोई, मैंने पहले बताया कि दो कंपनी है बड़ी, उसे मर्ज करना है और उसका डेटा भी इंटीग्रेट करना है तो भी आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए इस सॉल्यूशन आया कि वेब डेटा मैनेजमेंट विद दी XML। तो हम देखेंगे कि XML कैसे यूज होता है वेब डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है, एक फिगर है मेरी, तो उसमें ये DTD है, ओरिजिनल XML डॉक्यूमेंट है, मीन्स मेरा प्रोग्राम है XML का, और XML स्कीमा है। जो ये DTD है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और XML स्कीमा है, फिर DOM है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, फिर ये जो सिंपल API फॉर XML है पार्सर, XSL स्टाइल सीट मीन्स जो एक्सटेंजेबल स्टाइल सीट यूज करते हैं, और ये पार्सर XML है और XSL है। मीन्स आपको जब ये जो सारे है, पहले बता दूं मैं कि जो DTD है, XML स्कीमा है, XSL है, ये DOM है, ये सारे XML के स्टैंडर्ड है। मीन्स आप उसको यूज करके आप सेपरेटली उसको डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये मेथड दिया गया हुआ है कि सपोज आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हो तो उसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन और XML स्कीमा मीन्स कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर अप्लाई करते हो
तो वहां पे एक डेटा जो भी है डॉक्यूमेंट वे निकल के आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और जो सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल पार्सर है वो। तो उसमें आप जब स्टाइल सीट अप्लाई करोगे, आपने भी देखा होगा पहले कि एचटीएमएल यूज करते होते तब सीएसएस यूज करते थे हम, तो उसे क्या है कि आप जो भी कलरिंग है, कोई टेबल बनाना है तो कोई बैकग्राउंड सेट करना है तो इजीली कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया हुआ है एक्सएसएल स्टाइल सीट का। तो वो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या है, तो शायद आपको पता भी होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसे हम सिंपल कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लेते हैं कि जावा है, तो आपने ऑब्जेक्ट किया कि क्लिक इवेंट का कोई फंक्शन पास किया वहां पे, तो क्लिक करते हैं तो हेलो वर्ल्ड आता है। तो उस तरह से जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं एक्सएमएल में उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग बोलते हैं। और उसमें से दो जो मीनिंगफुल डेटा है वो वहां से निकल आता है, जो है पहला पार्सर एक्सएमएल और पार्सर एक्सएसएल। तो आगे देखेंगे हम कि ये एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि ये सपोज कोई डॉक्यूमेंट है एक्सएमएल, उसमें कोई पार्सर है, तो जो भी एक्सएमएल जो है वो डॉक्यूमेंट वैलिडेट करेगा क्या, किसके साथ, जब आप अप्लाई करोगे डीटीडी और एक्सएमएल स्कीमा कि जो आपने डेटा लगाया है वो सही है कि नहीं, तो वो वेरीफाई करके यहां से एक्सएमएल वहां पे पास करेगा। और जो भी एप्लीकेशन स्टोरेज सिस्टम होगी, मीन्स डेटाबेस है, अदरवाइज के डेटाबेस में से आप रिवर्स कोई एप्लीकेशन में डालते हो तो वहां पे दिखाई देगा आपको। और जो लास्ट में जो मेरा एक लास्ट एग्जांपल है जो है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट प्लस डीटीडी एक्सएमएल स्कीमा, जो डॉम पार्सर, मीन्स आपने कोई एक्सएमएल में कोई इवेंट फायर की है तो वो सही है कि नहीं वो वैलिडेट करता है और उसके बाद वहां पे एप्लीकेशन पे स्टोर करता है। तो मैंने जो पहले बताया कि ये जो एग्जांपल है पूरा ये एप्लीकेशन थ्रू है, मीन्स क्लाइंट साइड से आपको जब डेटाबेस में स्टोर करना है तब आप ये यूज कर सकते हो, और जब आपको डिस्प्ले करना है कि कोई डेटाबेस में से या किसी कोई एप्लीकेशन थ्रू एप्लीकेशन में आपको शो करना है तो ये यूज हो सकता है। यहां तक कि एक्सएमएल जो है उसे एक ब्रिज मारा जा सकता है कि एप्लीकेशन और डेटाबेस में जो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जो इजीली डेटा जो स्टोर भी करता है और इजीली रिट्रीव भी करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सएमएल कैसे यूज होता है वेब डेटा के साथ और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।